हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट नेटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक बेबी कैप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने जो 3 प्लाई की बूल ली है, ये देखिए, ये सिंगल प्लाई है, सिंगल प्लाई में 3 प्लाई की बूल है। और इसके लिए मैंने जो है 90 स्टिचेस जो है नीचे से लिए हैं, 90 स्टिचेस लिए हैं। 1 साल के बेबी के लिए जो है ये कैप है, तो आप जैसे जैसे बड़े के लिए बनाएंगे तो आप यहाँ पे स्टिचेस ज़्यादा लेंगे। अगर आपकी बूल जो है थोड़ी थिक है, मोटी है मतलब, तो आप जो है स्टिचेस को अपने हिसाब से ले लीजिए। और 10 नंबर की मैं नीडल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये 3 प्लाई की बूल है, ये ना ही ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा बारीक है। तो 90 स्टिच लेकर के हमने अपना बॉर्डर बनाना है। चाहे तो आप उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लीजिए, चाहे आप सीधी सीधी सिलाइयाँ बना लीजिए, जितनी आपको अच्छी लगे उतना बॉर्डर आप बना लीजिए। मैं जो है 6 सिलाइयाँ जो है इसकी बॉर्डर की बनाऊंगी। 6 सिलाइयाँ हम सीधी सीधी करके बॉर्डर बना लेंगे अपना। जैसे उल्टी धारियाँ दिखती हैं, वैसे ही हमारी जे सीधी सीधी बना करके, उल्टी तरफ से भी हमने सीधा बनाना है और सीधी तरफ से भी सीधा बना करके हम अपना बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है 3 धारियां बन चुकी हैं, ये देखिए 1, 2 और ये 3। हमने जो बॉर्डर अपना बना लिया है, इस बॉर्डर को बनाने के बाद हमने क्या करना है, सीधी तरफ से हम सीधी सिलाई डालेंगे और जो उल्टी तरफ है उससे में हम उल्टी सिलाई डालेंगे। जैसे सीधा उल्टा हम सिंपल बनाते हैं, वैसे हम बनाएंगे। तो हमारा बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हम सीधी तरफ से सारा सीधा बनाएंगे, सारी सिलाई सीधी बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टी बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए हमने 6 सिलाइयाँ बना लेनी है सीधे उल्टे की। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बना करके ये 6 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, सीधी तरफ से उल्टा बनाना है और उल्टी तरफ से हमने सीधा बनाना है। सीधी तरफ से हम उल्टा बनाएंगे, देखिए सीधी तरफ से हम उल्टा बनाएंगे और उल्टी तरफ से हम सीधा बनाएंगे, देखिए ऐसे। ये धारियां हमारी उल्टी आनी चाहिए सीधी तरफ से, और जो उल्टी तरफ है वो हमने सीधा बनाना है। जैसे हमने ये बनाया है बिल्कुल सेम इसके उल्ट बनाना है, मतलब कि सीधी तरफ हमारा उल्टा दिखना चाहिए और उल्टी तरफ हमारा सीधा दिखना चाहिए। ऐसे ही करके हमने 6 सिलाइयाँ इसकी बनानी है। तो ऐसे ही करके हमने इसकी लंबाई जो है कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं इसकी सारी लंबाई आपको बना करके फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने ऊपर से कैसे इसको क्लोज करना है, बंद करना है मतलब कि। तो मैं सारी लंबाई इसकी बना करके दिखाती हूँ कि कितनी लंबाई हमने बनानी है, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतना बनाने के बाद हमारा ये देखिए, ये हमने अपना पैटर्न जो है कैप का बना लिया है। ये देखिए, ये हमारा 15 सेंटीमीटर के करीब हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए 15 सेंटीमीटर हमने इसे बना लिया है। तो 15 सेंटीमीटर आप इसको बनाइए, चाहे आप इसकी जगह पे 4 लाइनें बनाइए, चाहे 6 लाइनें बनाइए, चाहे 2 लाइनें बनाइए, जैसा भी आप चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप बनाइए। लेकिन ये 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये देखिए इंचज़ की ओर से हम देखेंगे तो हमारा 5.5 इंच के करीब जो है ये कैप की ऊंचाई होगी, मतलब कि इसको ऐसे 5.5 इंच के करीब हमने बना लेना है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए ये मान लीजिए अगर आप किसी भी बच्चे को बना रही हैं तो आप उसको सेंटीमीटर से ऐसे मेज़र कीजिएगा, उसके सिर को ऐसे ऐसे नापिएगा सेंटीमीटर की तरफ से। जैसे मान लीजिए इसको हमने नाप लिया सिर को, तो ये आया हमारे पास 24 सेंटीमीटर आया, 24 सेंटीमीटर आया। तो इसको हम
दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करके जितना भी आता है 48 आएगा, तो 48 हमारे जो है स्टिचेस डाले जाएंगे। ये मैं सिर्फ मेजरमेंट की बात कर रही हूँ, आप जिसको भी बना रहे हैं उसको उसके सिर को आप सेंटीमीटर की तरफ से नाप लीजिए, जितना भी सेंटीमीटर आए उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उतने फंदे आप डाल लीजिए। एक दो फंदे इधर उधर हो जाए तो कोई भी अंतर नहीं होता, लेकिन आप इस तरह से आप जिसको जिसकी भी किसी भी बच्चे को चाहे बड़े को बना रहे हैं तो उसको ऐसे आप मेज़र कीजिएगा, सेंटीमीटर की तरफ से आप उसको नाप करके जितना भी सेंटीमीटर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उतने आप स्टिचेस डाल सकती हैं। एक दो स्टिचेस बढ़ जाए या घट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आ जाइए इस पर। अब देखिए इतना बनाने के बाद हमने क्या करना है, ऊपर से इसको कैसे क्लोज करना है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले हम 5 फंदे जो हैं सीधे बनाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदों को सीधा बनाने के बाद हमने 2 फंदों को इकट्ठे बनाना है। देखिए 2 फंदों को हमने इकट्ठे बना लेना है, 5 फंदों को सीधा बनाने के बाद 2 फंदे इकट्ठे बनाने हैं और 2 फंदों का एक कर लेना है। फिर से हम 5 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे बनाने के बाद फिर से हमने यहाँ पे 2 फंदों को इकट्ठे बुन के एक फंदा बना लेना है। फिर से 5 फंदे बनाएंगे, ऐसे ही करके हमने ये पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी है और उल्टी साइड से हमने उल्टा बुनते हुए दूसरी रो भी हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 5 फंदे बनाए, अब हम दूसरी सिलाई में हम सीधी साइड से हैं, 4 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 का एक करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 4 फंदे हमने सीधे बनाए और यहाँ पे 2 का एक करना है। हमने फिर से फंदा सीधे किया और 2 का एक, फिर से हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 4 फंदे सीधे बना करके फिर से हम 2 का एक बनाएंगे। फिर से 4 फंदे सीधे, जैसे ही करके हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम 2 का यहाँ पे एक बनाएंगे। देखिए जैसे ही हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी, 4 फंदे सीधे और 2 का एक, 4 फंदे सीधे और 2 का एक, उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रो में हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। ऐसे ही करते हुए हमारा ऊपर का हिस्सा जो है सारा बुना जाएगा। सबसे पहले हम 5 फंदों के बाद 2 का एक किया हमने, फिर 4 के बाद 2 का एक किया, अब हम 3 के बाद ये देखिए 3 फंदे सीधे बनाए और 2 का एक करना है। फिर से 3 फंदे सीधे बनाने हैं और 2 फंदों का एक बना देना है। फिर उससे अगली बार हमने जो है 2 फंदे बनाने हैं सीधे, 2 का एक बार बना देना है। फिर उससे अगली बार 1 फंदा सीधा बनाना है और 2 का एक बना देना है। ऐसे ही करते हुए हमारी जो है ये टोपी की जो घटाई है ऊपर से सारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे पास जो है ये देखिए इतने स्टिच रह गए। लास्ट में, लास्ट वाली सिलाई में हमने हर 2 का एक करना है, हर 2 का एक। जैसे कि हमने एक फंदा बनाया, 2 का एक किया, एक बनाया, 2 का एक, ये तो सिलाई हमारी पूरी हो गई। उसके बाद उल्टी सिलाई डालनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, हर 2 का एक करते हुए जाना है। हर 2 फंदों में 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाते हुए जाना है। तो हमारे पास लास्ट में इतने फंदे रहेंगे। अब हमने यहाँ से धागे को काटना है और इन सभी फंदों को एक सुई में ले लेना है। देखिए हमने धागे को सुई में ले लिया है, अब हम इन सभी फंदों को सुई में लेंगे। देखिए इस साइड से हम सुई में लेते हुए जाएंगे।
देखिए इन सभी फंदों को हमने ऐसे सुई में ले लिया। अब हम इसको टाइट कर देंगे तो हमारी जो टोपी की जो है एंड जो है वो, ये देखिए ये बन गया हमारा, टोपी का एंड हो गया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसी धागे को यहाँ पे पक्का करने के बाद, देखिए यहाँ से इसको पक्का करने के बाद इसी धागे से हम ये सिलाई जो है अपनी टोपी की जो हम सिलाई लगाएंगे इसी धागे से हम इसको करेंगे। ये देखिए ये यहाँ से हमने इसको सिलना है, यहाँ से हमने इसको सिलना है। तो उल्टे के साथ हम उल्टा मिलाएंगे और सीधे के साथ सीधे मिलाते हुए हमने लास्ट तक इसको सिल लेना है। जो हमारा खुला हुआ पोर्शन है टोपी का उसे हम सिल के कंप्लीट करेंगे। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ सारा सिल करके कि कैसे हमने बनाना है आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है पोर्शन सिलने वाला सिल के कंप्लीट हो चुका है। और ऊपर से ये देखिए ये हमारी गोलाई बनी है ऊपर से, और यहाँ से हमने सिला है वहाँ से हमने देखिए कैसे करना है। इसी धागे को हम डबल करेंगे, इसी धागे को हमने यहाँ पे डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इस सुई से हम यहाँ से हमारा सिला हुआ पोर्शन है इसको हम ऐसे सुई में लेंगे। देखिए ऐसे यहाँ तक लाने के बाद इसको अब टाइट करेंगे। ये देखिए ऐसे, ऐसे टाइट करने के बाद हम यहीं से फिर से वापस जाएंगे और इन्हीं स्टिचेस में से ऐसे एक बार फिर से हम सुई को निकालेंगे यहाँ तक। यहाँ तक निकालने के बाद एक बार फिर से हम इसको ऐसे टाइट कर देंगे। देखिए ऐसे ये हमारा इकट्ठा सा हो गया है। अब हम यहाँ पे चाहे तो आप एक बटन लगा लीजिए, चाहे आप एक इसमें वो पगड़ी वाला जो ब्रोच होता है उसे ब्रोच भी कहते हैं, वो मिल जाता है, चाहे तो आप उसे लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टोपी जो है बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से 1 साल के बच्चे को आराम से आएगी। आप भी बनाइए और अपने बच्चों को इस टोपी को पहनाइए। इसे टर्बन कैप भी कहा जाता है, दस्तार भी इसे कह सकते हैं, ऐसे पंजाबी कैप भी कह सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे इसको बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।